14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया जो 12 अगस्त तक रहेगा। इस सावन महीने में भगवान शिव के भक्त पूरे 29 दिन उनकी पूजा करेंगे और सावन में भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी का पत्ता, मदार का फूल, चावल और मीठा अर्पित करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है। जिसके संबंध में मानसरोवर मंदिर के पुजारी योगी हनुमान नाथ ने बताया कि मानसरोवर 1000 साल पुराना मंदिर है। मानसरोवर मंदिर के पोखरे में बाबा गोरखनाथ स्नान करके गोरखधाम मंदिर जाकर तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपोभूमि गोरखनाथ है। उन्होंने बताया कि सावन महीने का बहुत बड़ा महत्व है। सावन में लोग रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को भांग, धतूरा, चावल, बेलपत्र, जल चढ़ाते हैं। इस मंदिर में सभी की मनोकामना को भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मानसरोवर मंदिर के पुजारी योगी हनुमान नाथ ने कहा, मानाथ जी मानसरोवर पुजारी। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखनाथ मंदिर से चल कर मानसरोवर रुद्राभिषेक करने के लिए आए थे। रुद्राभिषेक करके और मंच पे जाके अपना सबको आशीर्वाद दे करके फिर गोरखनाथ मंदिर को वापस गए। और यहाँ बहुत प्रचलित स्थान है मानसरोवर, 1000 वर्ष का पुराना है। यहाँ पे बाबा गुरु गोरखनाथ जी मानसरोवर में स्नान करके गोरखनाथ मंदिर जा करके तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपोभूमि गोरखनाथ मंदिर है। दशहरे में बाबा जी का जलूस जब निकलता है विजयदशमी को, तो यहाँ पे रुद्राभिषेक करके बगल में आपके रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का आरती पूजा करके गोरखनाथ मंदिर जा करके भोजन रचना का आशीर्वाद देते सबको। महत्व यहाँ बहुत बड़ा है सावन का। भगवान शिव जी निकले हुए भगवान हैं। 1000 वर्षों का पुराना है मंदिर, बहुत प्रचलित स्थान है। दिव्य सावन में रुद्राभिषेक अभिषेक सारे चीज होते हैं। बहुत सारी चीज़ भगवान को चढ़ाया जाता है। यहाँ पे सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी कोई भी मनोकामना है, शादी है, ब्याह है, नौकरी चाकरी जो भी है, बाल बच्चा के लिए, सबकी मनोकामना को भगवान शिव संपन्न करते हैं। उनकी मनोकामना पूर्ति मिलती है।